आइए दिल की तरफ रुख करते हैं। 17वीं सदी में एक वैज्ञानिक विलियम हार्वी ने आसान से बीजगणित का इस्तेमाल किया दिल की कार्यप्रणाली को जानने के लिए। दिल के काम करने के तरीके पर प्रचलित लोकोक्तियां क्या थीं? उसके लिए हमें दूसरी सदी में जाना होगा मशहूर चिकित्सक गेलन से मिलने। उनका मानना था कि शरीर बिना रुके रक्त का निर्माण करता रहता है। विलियम हार्वी को ये कुछ अटपटा लगा, लेकिन वे इसे चुनौती कैसे दे सकते थे? एक तरीका था विरोधाभास। उन्होंने उनके सिद्धांत को सही मान लिया और दिखाया कि अंत में परिणाम असंभव है। देखते हैं कैसे काम करता है। उनके विच्छेदित दिल के निरीक्षण ने बताया कि रक्त का मार्ग दो तरफा है। धमनियों और नसों में दो वाल्व होने की वजह से उन्होंने गौर किया कि ज्यादातर जानवरों और इंसानों में दिल 4 ग्राम रक्त हर धड़कन के साथ पंप करता है और ये आधे घंटे में 1000 बार धड़कता है और एक दिन में 48 आधे घंटे होते हैं, तो पूरे दिन में रक्त पंप होने की मात्रा है 1000 × 48 × 4 ग्राम बराबर 192 किलो। पर ये बेतुका है, क्योंकि यह उस मात्रा से कहीं ज्यादा है जो शरीर संभवतः कर सकता है। तो गैलन का सिद्धांत जरूर सच नहीं होगा। हार्वी ये दिखाने में कामयाब रहे कि दिल एक ही तरह के रक्त को बार बार पंप करता रहता है, सिर्फ एक वाल्व के साथ, जो क्लोज सर्किट में रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित करने में मदद करती है।